नमस्कार, आप सभी को रॉय फैमिली भारत में स्वागत है। तो आज हम स्पेशल नाश्ता लेके आए हैं जो कि पोहा से बनने वाला है। तो बने रहिए, हम कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 8 से 9 हरी मिर्च, जो कि लाल पका हुआ और कच्चा हुआ दोनों मिक्स है। तो 2 मीडियम साइज का देखिए प्याज है, 2 मीडियम साइज का टमाटर है, 2 शिमला मिर्च है। तो इन सभी चीज़ों से हम बनाएंगे संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। तो इसे अब हमने अच्छी तरीके से धो के रखा हुआ है। तो ये देखिए मैंने ले लिया है चूड़ा, ये करीब पवा भर है। ये देखिए ये ढेकी में हमारे यहाँ ढेकी बोला जाता है, जो कि मोटा मोटा दाना है इसका, मशीन वाला नहीं, जो कि पतला पेपर जैसे होता है वो नहीं है। तो ये चूड़ा मैंने ले लिया है अच्छी तरीके से साफ करके। तो इसे पहले हम धो के 15 मिनट के लिए वैसे ही धो के ढक के रख देंगे, तब तक ये फूल जाएगा। जब तक ये फूलता है तब तक चलिए हम अपना सब्जी को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया है, टमाटर का बीज निकाल के इस तरीके से टमाटर को भी काट लिया है और प्याज। ये मिर्च जो है मैंने अपने हिसाब से लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ तीखा ज़्यादा चलता है। अगर आप कम लेना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, क्योंकि पोहा वैसे ही मीठा होता है, तो इसकी वजह से हम मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुका है और ये देखिए जो चूड़ा हमारा है एकदम फूल के नरम हो चुका है और एकदम साबुत है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। देखिए मैंने एक पैन चढ़ा के इस पर 4 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दिया है। ये तेल अभी गर्म होने को आया है। तो इसमें अब हम ये देखिए प्याज जो काट के रखा है इसे डाल दें। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका ट्रांसपेरेंट कलर आने तक इसे भूनना है। तो कच्चापन चला गया, बस इतना ही हमें भूनना। तो ये देखिए इसका कलर जो है थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, हमें गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनना है। इसके बाद हम ये जो मिर्च काट के रखा था हमने ये डाल देंगे, इसे भी हल्का भूनना है। इसे हम हाई फ्लेम में ही भूनेंगे चलाते हुए, ज़्यादा देर तक हमें नहीं भूनना है दो फ्लेम में। तो ये देखिए मिर्च भी हमारा भून के हो चुका है। तो इसके बाद हम ये शिमला मिर्च जो काट के रखा इसे डाल, इसे भी हल्का 2 से 3 मिनट तक इसे चलाएंगे। जो शिमला मिर्च का जो छिलका है इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। तो इसमें अब हम डालेंगे टमाटर, टमाटर डालने के बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी से जल्दी गल जाए। बाद में हम नमक ऐड नहीं करेंगे, इसलिए हम नमक डाल देंगे। और इसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे हाई फ्लेम में ही चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हमें भूनना है। तो ये देख सकते हैं टमाटर हल्का सा गल चुका है। तो इसमें अब हम ये जो पोहा भिगा के रखा हुआ था बेटे इसे डाल देंगे। इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर इनको अब हम एकदम लो में ले आएंगे। इसे हम ऐसे किए अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। करने के बाद इसे हम ढक के 2 से 3 मिनट तक इसे लो स्टीम में ढक के रखेंगे। 3 मिनट हो चुका है, चलिए देखते हैं। देखिए कितना खूबसूरत बन गया है सारा चीज़ अच्छी तरीके से।
बॉईल हो चुका है। तो इसमें अब हम दो चीज़ डालने वाली हूँ। ये देखिए, पहले ये मैंने 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, जो कि घर में खुद मैंने बना के रखा हुआ था, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और फाइनली एक और चीज़ देना बाकी है, अब बने रहिए। ये ले लिया मैंने आधा चम्मच घी, शुद्ध देसी घी, जो कि मैंने आधा चम्मच इसमें ले लिया है तड़के के लिए। तो ये घी का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है पोहा में, तो इसके लिए हमने ये घी को लिया है। जैसे ही घी पिघलता है, इसमें हम देखिए घी पिघल गया है, तो इसमें अब हम थोड़ी सी करी पत्ता डाल देंगे। ये करी पत्ता जैसे ही तड़कने लगे, तो इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो इसमें घी का फ्लेवर भी आ गया और करी पत्ता का स्वाद भी। तो ये हमारा बनके तैयार है संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट पोहा। कैसी लगी हमारी ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट में बताइए। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी है और कुछ हटके, रोजमाना से कुछ हटके एक नाश्ता। तो कैसी रही हमारी ये रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको।